हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेगन वंडर्स। आज हम आए हैं होस्टल एपिसोड पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम बनाने वाले हैं आलू मटर की सब्जी। और अगर आप भी होस्टल स्टूडेंट हैं तो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने होस्टल में कौन कौन सी रेसिपीज़ ट्राई की हैं। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जाके सब्सक्राइब करिए। और ये यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है सब्जी बनाने के लिए। मटर छील रहे हैं, आलू को हमने उबाल लिया था अलग से, और इन्होंने छीलते छीलते आधी मटर तो खा ही ली थी, तो इसलिए बहुत ही कम बची थी सब्जी बनाने के वक्त तक। तो अब ये हमने प्याज काट लिए हैं, ग्रेवी के लिए हमने लिए थे प्याज, 2 टमाटर, कच्चा प्याज, 2 हरे मिर्च, लाल मिर्च भी हमने डाली थी, और अदरक का टुकड़ा। अदरक को हमने ग्रेट कर लिया था। आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये सारी सब्जियाँ हॉस्टल में हैं तो कहाँ से लेके आए, तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, उसके बाहर एक अंकल जी बैठते हैं जो कुछ सब्जियाँ तो वहीं पे उगाते भी हैं, क्योंकि बहुत सारा स्पेस खाली भी है, और कुछ वो बाहर से लेके आते हैं। तो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी हमें चाहिए होता है हम उन्हीं से लेके आते हैं। प्याज टमाटर सब अच्छे से बारीक हमने काट लिए हैं। अब मैं जो अदरक उसे ग्रेट कर लिया है, और ये ग्रेवी के लिए हमारी सारी प्रिपरेशन हो गई है। अब बारी आती है सब्जी बनाने की। ये आलू को हमने इस तरह से पहले उबाल लिया था, हमारे पास कुकर नहीं था तो हमने पतीले में ही उबाला था इनको, और ये सब मिलके इनको छील रहे हैं। तब तक मैं ग्रेवी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। ये मैंने घी लिया है पैन में, और उसमें मैंने डाले हैं बारीक कटे हुए प्याज, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, उसके बाद इसमें डालेंगे ग्रेटेड की हुई अदरक, प्याज थोड़े थोड़े ब्राउन होने लग जाएंगे तब हम डालेंगे टमाटर। आप देख सकते हैं प्याज थोड़ी थोड़ी ब्राउन होने लगी हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए टमाटर और ये कटी हुई कच्ची प्याज, सबको अच्छे से मिक्स करके इनको सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। अब बारी आती है इनमें मसाले डालने की। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने हिसाब से, नमक आप अपने हिसाब से डाल लें, और ये मैगी मसाला आधा मैं अब डाल रही हूँ, आधा हम बनने के बाद डालेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मटर, और इसे थोड़ी देर तक हम कुक करेंगे ताकि जो मटर है वो सॉफ्ट हो जाए। मटर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसे अलग से बॉईल करने की कोई नीड नहीं है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम इसे कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। मटर जो है वो सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये उबले हुए आलू जो हमने छील के काट लिए थे, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें बाकी का बचा हुआ मैगी मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। आलू मटर की सब्जी तैयार हो गई है और अब हम वेट करेंगे 8 बजने का ताकि मैस खुले तो हम खा सकें। और इसे मैंने गार्निश